कोरबा में कबाड़ चोरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एसपी के निर्देश पर अवैध कार्यों में लगे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में दर्री पुलिस ने करीब आधा दर्जन कबाड़ चोरों को गिरफ्तार किया, जो एनटीपीसी एडीएम बिल्डिंग के पीछे मौजूद मशीन से लोहे और तांबे के सामानों की चोरी कर रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1,00,000 रुपए का कबाड़ जब्त किया है। कोरबा के एनटीपीसी पावर प्लांट से कबाड़ की चोरी करने के मामले में दर्री पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पिछले लंबे समय से इस इलाके में कबाड़ चोरों के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि एनटीपीसी एडीएम बिल्डिंग के पीछे बरमपुर रोड में करीब 10 लोगों के द्वारा बंद पड़े मशीन से तांबा और लोहे के सामान चुराने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में कुछ लोग तो भागने में सफल हो गए, लेकिन 7 लोग पकड़ में आ गए, जिन्हें थाना लाकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। काफी दिनों से लगातार ये सूचना प्राप्त हो रहा था कि कुछ चोर जो है प्लांट से कुछ सामान चोरी छिपे निकाल रहे, इधर उधर बेच रहे हैं। आज उसी तारतम्य में आज सूचना मिली तो स्टाफ के साथ में हम लोग एनटीपीसी एडीएम बिल्डिंग के पीछे बरमपुर रोड में वहाँ पे जाके दबिश दे स्टाफ के साथ में, तो वहाँ पे 8-10 लोग कुछ पुराना मशीन में वहाँ सामान था लोहे तांबे का, उसको लेके वहाँ पे थे। पुलिस पार्टी में देखे बाकी लोग तो भाग गए, 6 लोग लगभग वहाँ पर मिले, जिनसे पूछताछ पर संदेहास्पद लगा और संतोषजनक उत्तर नहीं दिए, तो उस पर धारा 41(1)(379) की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करी। लगभग 1,00,000 कीमती सामान मिला है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के कबाड़ को जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 1,00,000 रुपए आंकी गई है। सभी के खिलाफ धारा 379 के तहत कार्रवाई की जा रही है। एशियन न्यूज के लिए दर्री से मणिपाल निंजा के साथ संतोष पटेल।